हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली क्यों नहीं आता है और कैसे आएगा, तो इस वीडियो में यही देखेंगे हम। तो सबसे पहले एक कंपनी हमने बना रखी है, महादेवा एंटरप्राइजेस, और इसमें हम काम करने वाले हैं। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आप टीसीएस को इनेबल कर लीजिए। कैसे इनेबल करेंगे, प्राइम की बात कर रहा हूं मैं, F11 की प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर इस तरह से ये चीजें आएंगी, एंटर 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 प्रेस करके यहां आ जाइए। सबसे पहले जीएसटी इनेबल कर लीजिए, जीएसटी तो इनेबल कर ही लेंगे आप। यहाँ पर जीएसटी इस तरह से इनेबल हो जाएगा, एंटर एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाइए। वाई प्रेस कर लीजिए, एंटर प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट 18% जीएसटी लगा रहा हूं मैं, यहाँ पर ये जीएसटी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम, टीडीएस तो करना नहीं है, टीसीएस करना है हमें। तो टीसीएस वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, ये इनेबल हो जाएगा, एंटर प्रेस करिएगा। और यहाँ पर आपको 10 नंबर डालना है, तो 10 नंबर में और एंटर प्रेस करता हूं, तो ये इस तरह से ये आपको देना है, इसी कॉम्बिनेशन में देना। ये कंपनी कर देता हूं मैं, और ये कलेक्टर ब्रांच देवरिया कर देता हूं, और यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नेम डिटेल पूरा आएगा, तो यहां पे कर देता हूं मिस्टर राकेश, ये इस तरह से कर दिया। पर आपको सही भरना है, पैन नंबर आपको सही भरना है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहां पे आपको ये इस तरह से पैन नंबर आपको डालना है, और ये सारी डिटेल आप फिल करते हुए एंटर 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 प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री पास करनी है आपको, ठीक है। एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले चलेंगे बाउचर पे, ठीक है। ये सेल्स बाउचर में हम लगा रहे हैं टीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पार्टी का नेम देना है, तो यहाँ पर एक लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है सुनील, ये डेटर पार्टी है हमारी, डी से पता चल जाता है कि ये डेटर है, इसीलिए मैंने डी लिख रखा है। एंटर 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 प्रेस करके इसे हम लगा लेंगे, ये लगा लिया हमने। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर मैंने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड ले लेता हूँ, जो भी स्टॉक आइटम है, 400 स्टॉक आइटम मौजूद है, तो यहाँ पर 400 में से 300 में ले लेता हूँ, ये 300 ले लिया हमने, ठीक है, डिस्काउंट नहीं लगाता। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ सीजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी इस तरह से ये आ गया, ठीक है। और अब एसजीएसटी लगा लेता हूं, तो ये देखिए एसजीएसटी भी आ जाएगा, ये दोनों आ गया। अब यहां पे टीसीएस लगाना है, तो यहां पे देख सकते हैं टीसीएस ऑन सेल्स ये बना रखा है मैंने। एंटर प्रेस करता हूं, और यहां पे तुरंत जो है ₹270 टीसीएस जो है आ जाता है। तो ये किस तरह से आएगा और क्या क्या हमने किया कि ये आ गया, पहले इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं फिर बताता हूं। सबसे पहले तो टीसीएस आप एक्टिवेट कर लीजिए, पहला काम। एक्टिवेट हो जाने के बाद आप यहाँ पे अल्टर पे लेके दिखाता हूँ कौन कौन सा लेजर मैंने लगाया था और कैसे कैसे ये लेजर्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको डेटर पार्टी का लेजर क्रिएट करना है, जो कि ये है, ये देख सकते हैं आप सुनील डी। यहाँ पे इसे संडे डेटर के ग्रुप में डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाइए टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबल, तो ये यस रहेगा। यहाँ पर जो भी कलेक्टिव टाइप्स है वो यहाँ पे आप साइड में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव टाइप। और यहाँ पर आकर के आपको पैन नंबर जरूर फिल करना है, डेटर पार्टी का पैन नंबर जरूर फिल करिए, और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं पैन नंबर तो यहाँ पे यस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, रेगुलर ये सब चीजें आप फिल कर लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये एक लेजर बन जाएगा। दूसरा लेजर यहाँ पे टीसीएस ऑन सेल्स मैंने बनाया है, इसको कैसे कैसे बनाना है, टीसीएस ऑन सेल्स यहाँ लिखना है, और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ये तो बहुत इजी है, आप तो जानते ही हैं। और यहाँ पर टीसीएस रखना है, और यहाँ पर आप एनी रख सकते हैं, या कोई नेचर ऑफ गुड्स देना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स देना चाहते हैं, तो यहाँ ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके या यहाँ क्रिएट पर जाकर के एंटर प्रेस करके वहां पे बना सकते हैं। तो ये मैंने इसी को दे रखा है, यहाँ पे सेल्स टीसीएस ये लिख रखा है हमने, तो ये यहाँ पे इस तरह से कर दिया है। और अब यहाँ पे देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी का कैसे हमने लेजर क्रिएट किया है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए सीजीएसटी क्या, एंटर एंटर प्रेस करके यहाँ पे सेंट्रल टैक्स जीएसटी सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग यहाँ 3 रखा है, और यहाँ टीसीएस एप्लीकेबल रखा है, ठीक है, ये मेन है। और यहाँ पर सेल्स इन टीसीएस ये जो बनाया है हमने प्रेस कर दिया है, और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से एसजीएसटी में भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही मैंने किया है बिल्कुल, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर भी सेल्स इन टीसीएस ये मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया है, सेल्स इन टीसीएस आपका जो भी बनता हो, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हो उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंटरप्रेस किया एक्सेप्ट करा लिया, तो यहां पर जो भी आप एंट्री पास करोगे ना सेल्स में उस पर टीसीएस लग करके आ जाएगा, ठीक है।